एवरीवन, मैं शाइन सैयद, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ आज मैं बीटरूट हलवा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने 1 किलो बीट को लेकर उसका छिलका उतार कर उसे आप किस लिया है, तो इसे चुकंदर भी कहा जाता है। गैस पर यह पैन चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया घी। तो घी में हम पहले मेवे को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने ज़्यादा मेवे नहीं लिए, काजू लिए कुछ और चारोड़ी लिए। इसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे, आप इससे भी ज़्यादा मेवे ले सकते हैं। तो इसे डाल देंगे और हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, इसे चलाते रहेंगे, इसे ऐसे छोड़ना नहीं है। मेवे यहाँ पर हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे। इसमें डाल देंगे 1 इलायची और 2 लौंग डाल देंगे। यहाँ पर ये हो चुके हैं, इसमें डाल देंगे ये बीट रूट का कीस। यहाँ पर मैंने कीस डाल दिया है और इसे चलाएंगे, मिक्स करेंगे इसको घी में। इसका मॉइस्चर खत्म होते तक भुनना है इसको। गैस की फ्लेम ज़्यादा है, हाई है। इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसे पकाते हुए 1 मिनट हो चुका है। इसमें डाल देंगे दूध, ये 1.5 पाव दूध है। आप इसे कम भी डाल सकते हैं, मैंने 1.5 पाव डाला है, या फिर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1/2 लीटर भी डाल सकते हैं। 1.5 पाव डाल रही हूँ, तो यहाँ पूरा डाल देंगे और इसे चलाएंगे और गैस की फ्लेम बढ़ा देंगे। फुल क्रीम दूध है ये। और इसे पकने देंगे। इसे पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें डाल देंगे हम चीनी, तो मैं 1 कप चीनी डालूंगी। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं 1 कप डालूंगी इस वाले कप से। इसे चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और मिक्स कर लेंगे। इसे और ढककर पकाएंगे। और देखिए, मेरा बीटरूट हलवा रेडी हो चुका है। शक्कर डालने के बाद में इसे ऐसे छोड़ना नहीं है, बीच बीच में चलाते रहना है। 10 मिनट दूध डालने के बाद में, 10 मिनट शक्कर डालने के बाद में, लगभग 20 से 25 मिनट में बनके रेडी हो चुका है। तो हम गैस बंद कर देंगे और सर्व कर लेंगे। हलवा सर्व कर लिया है, तो इसे मेवो से गार्निश कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, इसे आप जरूर ट्राई करना। बीटरूट के फायदे तो सभी को पता है, सभी को मालूम है कि बीटरूट से क्या होता है। हीमोग्लोबिन बढ़ता है और प्रोटीन भी मिलता है। बहुत अच्छा है बीटरूट हलवा, हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है ये, आप जरूर ट्राई करना। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।